नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा तिवारी और आप देख रहे हैं चैनल। सुप्रीम कोर्ट ने आज बैंकिंग लेनदेन में क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन आदि पर पूरी तरह रोक लगाने वाले भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के सर्कुलर को निरस्त कर दिया है। आरबीआई के निर्णय को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने याचिका दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट ने यह फैसला दिया है। इस तरह अब सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान IMIM ने कहा था कि केंद्रीय बैंक के इस कदम से क्रिप्टो करेंसी में होने वाली वैध कारोबारी गतिविधियों पर प्रभावी रूप से पाबंदी लग गई है, जिसके जवाब में RBI ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था। RBI ने कहा कि उसने क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग और प्रेरक फंडिंग के खतरे के मद्देनजर यह कदम उठाया है। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने साल 2018 में एक सर्कुलर जारी कर क्रिप्टो करेंसी कारोबार को बैन किया था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल करेंसी, जिसे क्रिप्टो करेंसी भी कहते हैं, उससे ट्रेंड को मंजूरी दे दी है। अब कोर्ट के इस आदेश के बाद वर्चुअल करेंसी जैसे बिटकॉइन में कानूनी रूप से लेन देन किया जा सकता है। मौजूदा समय में पूरे विश्व में कई तरह की वर्चुअल करेंसी है, इनमें से बिटकॉइन का मूल्य सबसे अधिक है। मंगलवार को बिटकॉइन की कीमत 0.39% टूटकर $8,815 पर पहुंच गई थी। इसका मार्केट कैप $160 अरब है। आइए जानते हैं कि क्या है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जिसे आप देख नहीं सकते हैं। आसान शब्दों में आप इसे डिजिटल रुपया भी कह सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी को कोई बैंक जारी नहीं करता है, इसे जारी करने वाले ही इसे कंट्रोल करते हैं। इसका इस्तेमाल डिजिटल दुनिया में भी होता है। बता दें कि क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक 2019 के ड्राफ्ट में यह प्रस्ताव दिया गया था कि देश में क्रिप्टो करेंसी की खरीद ही बिक्री करने वालों को 10 साल की जेल की सजा मिलेगी। ड्राफ्ट के मुताबिक इसकी जद में सभी लोग आएंगे जो क्रिप्टो करेंसी तैयार करेगा, उसे बेचेगा, क्रिप्टो करेंसी रखेगा, किसी को भेजा या क्रिप्टो करेंसी में किसी प्रकार के डील करेगा। इन सभी मामलों में दोषी पाए जाने वालों को 10 साल तक की जेल की सजा मिलती थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रतिबंध हटा दिया है। बता दें कि सरकार लगातार क्रिप्टो करेंसी को लेकर आगाह करती रही है। वित्त मंत्रालय ने अपने पहले भी बिटकॉइन समेत तमाम वर्चुअल करेंसी के खतरे के प्रति लोगों को आगाह किया था। साथ ही इसे एक तरह का पोंजी स्कीम भी माना गया है, जिसमें भारी मुनाफे के लालच में लोग पैसा लगाते हैं लेकिन बाद में मूल्य के भी लाले पड़ जाते हैं। अपने बजट भाषण में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था, सरकार क्रिप्टो करेंसी लीगल ट्रेंडर या कॉइन पर विचार नहीं करती है। अवैध गतिविधियों को धन उपलब्ध कराने अथवा भुगतान प्रणाली के एक भाग के रूप में इन क्रिप्टो परिसंपत्तियों के प्रयोग को समाप्त करने के लिए सभी प्रकार का कदम उठाएगी। अब सवाल यह उठता है कि क्या है क्रिप्टो करेंसी से होने वाला नुकसान। तो आइए जानते हैं। इस करेंसी को किसी भी सेंट्रल एजेंसी द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है और इसीलिए किसी ग्राहक का पैसा डूबने या विवाद को हल करने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। बिटकॉइन के जरिए लेन देन करने वालों को लीगल और फाइनेंशियल रिस्क उठाना पड़ता है। दरअसल इस करेंसी को लेकर उठाने वाली समस्याओं को हल करने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बिटकॉइन का इस्तेमाल गैरकानूनी और आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। क्रिप्टो करेंसी में धोखाधड़ी की संभावना बहुत कम है, पर इंटरनेट करेंसी होने की वजह से इसे हैक भी किया जा सकता है। वही देखना यह है कि सरकार का यह फैसला कितने हद तक सही साबित होता है और लोगों को इससे कितना मुनाफा भी होता है। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। इसी तरह के देश और दुनिया के खबरों के लिए बने रही हमारे साथ।